हेलो एवरीवन, अक्षय हियर एंड वेलकम बैक टू टेक बाइंडर्स। तो आज हमारे पास यहाँ पे है बोट रोकर 255 प्रो प्लस नेक बैंड और मैंने इसको ऑलमोस्ट यूज़ किया है 15 दिन। 15 दिन के बाद जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करते हैं यहाँ पे कंटेंट्स की। सबसे पहले आपको ये बोट रोकर का नेक बैंड देखने को मिलेगा, इसके साथ ही एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, USB-C टाइप चार्जिंग केबल, आपको ये बोट रोकर की यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये इनका पैम्फलेट देखने को मिलेगा जिसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स मेंशन किए गए हैं। वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक बोट हेड का ये स्टिकर देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस नेक बैंड से और यहाँ पे मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। सेम मटेरियल आई थिंक इन्होंने यूज़ किया है। ये जो डिज़ाइन है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे ये जो वायर है वो काफ़ी लंबी है। फ्लैट वायर केबल दे रखी है तो आसानी से ये ब्रेक नहीं होगी, ब्रेडिंग भी दे रखी बट फिर भी काफ़ी लंबी है और ये नेक पे अच्छे तरीके से रेस्ट भी नहीं करती। अपार्ट फ्रॉम दिस बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, सुपर है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगी। साउंड क्वालिटी की बात करें, सुपर साउंड क्वालिटी मुझे देखने को मिली। यहाँ पे मुझे डीप और पंचिंग बेस देखने को मिलेगा जो कि सारे बोट के प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा, यानी कि बेस बूस्टेड है, तो डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा बेस पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये नेक बैंड होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस वोकल्स और हाइस मुझे इतने क्लियर नहीं लगे क्योंकि बेस ओवर पावर है तो थोड़ा मडी हो जाता है। फ्रिक्वेंसी सेपरेशन भी इतना अच्छा नहीं लगा, बट डेफिनेटली अगर आप बेस लवर्स हैं, आपको सिर्फ चाहिए बेस बूम बूम वाला, तो डेफिनेटली ये नेक बैंड है आपके लिए। ड्राइवर साइज की बात करें तो 10mm के इन्होंने ड्राइवर्स यहाँ पे यूज किए, इसके लिए भी बेस काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। बात करते हैं यहाँ पे नॉइस आइसोलेशन की। तो यहाँ पे आपको पैसिव नॉइस आइसोलेशन देखने को मिलेगा जो कि सारे ही नेक बैंड में होता है, कोई भी एक्टिव या फैंसी वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया। बात करते हैं यहाँ पे कॉल क्वालिटी की, तो यहाँ पे CVC नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिला है। यहाँ पे इवन EPTX भी सपोर्ट करता है बट आई हैव ट्राइड टू रन विद माई फोन और मुझे EPTX सपोर्ट देखने को नहीं मिला। मैं ये नहीं बोल रहा कि EPTX सपोर्ट नहीं है बट मेरे फोन में EPTX सपोर्ट नहीं चल रहा था। बट अगर आपके पास ये नेक बैंड और आपके में EPTX कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कॉल क्वालिटी सुपर है, अच्छी कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जो इनका माइक है वो मुंह के काफ़ी पास रहता है क्योंकि माइक इन्होंने इस वॉल्यूम कंट्रोल्स में दे रखा है, तो डेफिनेटली कॉल क्वालिटी बेटर है। तो अब करते हैं इस नेक बैंड का माइक्रोफोन टेस्ट। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे इस रोड वीडियो माइक्रोफोन से। 1-2-3, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट, रोड वीडियो माइक्रोफोन। और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही मेरे इस बोट रोकर 255 प्रो प्लस नेक बैंड से। 1-2-3, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट, बोट रोकर नेक बैंड। और अब हम करने वाले हैं बैकग्राउंड नॉइस को ऑन और देखते हैं कि उसके बाद जो माइक रिस्पॉन्स है वो कैसा होने वाला है। तो 1-2-3, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट। और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही मेरे इस रोड वीडियो माइक्रोफोन से और यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस ऑन है। 1-2-3, 1-2-3 माइक्रोफोन टेस्ट। और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही मेरे बोट रोकर 255 नेक बैंड से और यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस है ऑन है। ऑडियो क्वालिटी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए जो उसका माइक्रोफोन रिस्पॉन्स है बिना बैकग्राउंड नॉइस के और विद बैकग्राउंड नॉइस के आपको कैसा लगा। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स की। यहाँ पे ट्रिपल बटन कंट्रोल सेटअप देखने को मिलेगा। प्ले एंड पॉज कर सकते हैं इस बटन से और आपको प्रेस एंड होल्ड रखना पड़ेगा अगर आप इसको पावर ऑन या पावर ऑफ करते हैं 3-5 सेकंड के लिए। इसके अलावा साथ ही साथ इससे आप कॉल भी कर सकते हैं, रीसेंट डायल नंबर को कॉल बैक कर सकते हैं। डबल टैप कीजिए और आप कॉल कर सकते हैं रीसेंट डायल नंबर को। वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन बटन को सिंगल प्रेस कीजिए और अगर आप नेक्स्ट या प्रीवियस ट्रैक में जाना चाहते हैं तो वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड रख के 3 सेकंड के लिए। साथ ही साथ वॉइस स्टैंड भी आप कॉल कर सकते हैं इस मल्टी फंक्शन बटन की मदद से। इसके अलावा एक फीचर मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा वो है डुअल कनेक्टिविटी। तो आप एक साथ दो डिवाइसेस के साथ पेयर करके रख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। लेटेंसी की बात करें तो जैसे ही सारे ही नेक बैंड या TWS ईयरफोन्स में होती है 250-300 मिलीसेकंड की लेटेंसी राइट नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सुपर लो लेटेंसी जैसा कोई भी मोड यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की एंड कम्फर्टेबिलिटी की। तो कनेक्टिविटी सुपर है, सॉलिड है। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगा, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। कंफर्टेबिलिटी की लेवल की बात करें तो कंफर्टेबल है मुझे, पर मुझे इतने बेहतरीन नहीं लगे क्योंकि इनका डिज़ाइन है वो इतना अच्छा नहीं है। आप देखेंगे जो ये नेकबैंड है वो डैंगल करता रहता है आपके नेक पे, तो इतना मुझे सॉलिड फील नहीं आया कंफर्टेबिलिटी लेवल के लिए और जिम लवर्स के लिए डेफिनेटली उनको इतना पसंद भी नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की। तो यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया
300 mAh का मैसिव बैटरी, और ये क्लेम करते हैं ऑलमोस्ट 40 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा, बट इन माय केस मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग लगभग 30 से 32 घंटे का प्लेबैक टाइम देखने को मिल रहा था 50% वॉल्यूम। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चार्जिंग सपोर्ट है, यूएसबी सी टाइप कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो हैट्स ऑफ टू बोट फॉर दैट, क्योंकि दे आर मूविंग विद द फ्यूचर। ओके, साथ ही साथ ये ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में कम्प्लीटली चार्ज होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे क्विक चार्जिंग सपोर्ट है, तो 10 मिनट में आपको ये ऑलमोस्ट 10 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाजरेटेड है। 10 मिनट में आपको ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का ही म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं IPX रेजिस्टेंट रेटिंग की, तो यहाँ पे इन्होंने IPX7 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मेंशन किया। आई डोंट नो वाई कंपनीज मार्केटिंग टैक्टिक्स पे बहुत ज़्यादा प्ले कर रही हैं रेदर देन रियल प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट एज ऑफ राइट नाउ इवन एट 5000 प्राइस पॉइंट पे IPX7 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग नहीं देता है। अगर हम IPX7 रेजिस्टेंट रेटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मैं ऑलमोस्ट इसको 1 मीटर पानी के अंदर रख सकता हूँ 1 घंटे के लिए, और फिर भी कोई इशू नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। बट इस केस में अगर मैं ऐसा करता हूँ तो डेफिनेटली ये ईयरफोन्स खराब हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेजिस्टेंट है, वही कंपैटिबिलिटी है। बात करते हैं जिम फ्रेंडलीनेस की, डेफिनेटली जिम फ्रेंडलीनेस हो सकते हैं अगर आपको जो डैंगलिंग वाला हिस्सा है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, तो उसके अलावा कोई भी इशू नहीं होगी। फिटिंग बेहतरीन है, डेफिनेटली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिट नहीं होते हैं तो डिफरेंट ईयर टिप्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको ये डैंगलिंग वाला इशू लगता है तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड नहीं है जॉगिंग के लिए। छोटा सा हैक निकाला है यहाँ पे इनको यूज़ करने का, वो ये है कि आप इनको क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि राइट वाला इधर से ले जा सकते हैं और लेफ्ट वाला उल्टा पहन सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद जो डैंगलिंग वो थोड़ी सी कम होने वाली है, बट फिर भी थोड़ी सी होती रहेगी। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि इन्होंने इतने बड़े नेकबैंड बना दिए माले जैसे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से आके खरीद सकते हैं। कोई भी क्वेरी या सुझाव है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं। तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।